तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ FCT कस्टम रूम्स। मेरा अमेरिका मैप पे आज और यहाँ पे लॉकडाउन ने उतरते एक बंदे को नॉक दे दिया है। देखते हैं उधर फाइट चल रहा है। डेटा ने यहाँ पे जी राइडर को नॉक दे दिया है एक गेम से। इधर चल रहा है, डेटा ने भाई जी राइडर का किल भी कंफर्म कर दिया वहाँ पे। किधर है, किधर है वेगा की फाइट? यहाँ पे वेगा की फाइट चल रही है। उधर लोग की स्क्वाड है, उनमें अर्थर है भाई, और अर्थर ने एक को नॉक कर दिया नेड से रेबेल को। और यहाँ पे अर्थर ने भाई SKS से सिंगल टैप के नॉक कर दिया डेटा को भाई। उनके हाथ में एक एम थी फिर भी उसने नॉक कर दिया भाई अर्थर ने SKS से। और यहाँ पे वेगा के दो बंदे नॉक पड़े हुए हैं, कैसे रिवाइव थे देखना पड़ेगा। FCT के अर्थर एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थर रूप टॉप के ऊपर चढ़ के एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके राइट में वेगा का नूब है, उसको स्पॉट कर रहे हैं, हाथ में वेक्टर है उनके। और यहाँ पे नूब पे फायर लिया और नूब को भाई लिटरली 0 HP रखा है यहाँ पे अर्थर ने। देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे रूप टॉप से अच्छा एंगल निकाला है, यहाँ पे अर्थर ने उनके सामने लॉकडाउन पिक ले रहा है, लॉकडाउन को गिरा देगा देखते। और भाई वेक्टर से नो स्कोप गिरा दिया यहाँ पे अर्थर ने लॉकडाउन को, बहुत सही। और रश मारते हैं कि नहीं देखते। यहाँ पे अर्थर ने रश मारने की कोशिश क्रॉस मार दिया यहाँ पे अर्थर ने, वहाँ पे शुभ्या ने भाई वहाँ पे क्रॉस के जियोस को नॉक कर दिया। यहाँ पे अर्थर TPP ले रहे बंदे किधर है देख रहे भाई, अंदाजा लगा रहे। और यहाँ पे अंदर घुस गए यहाँ पे FCT के अर्थर, उनके सामने वेगा की स्क्वाड है। और यहाँ पे अर्थर देखते क्या करते, एक बंदा नॉक हो चुका है। और यहाँ पे लॉकडाउन ने रश मार दिया, लॉकडाउन को भाई एक वेक्टर से नॉक कर दिया या अर्थर ने। यहाँ पे देखते कैसे संभाल लेते, उनके सामने भाई वेगा के तीन बंदे और ये अकेले, इनका एक बंदा FK स्लेयर वहाँ पे FK। देखते क्या करते, अर्थर ने भाई फॉल बैक करने की कोशिश की है, यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे जा रहे हैं। अर्थर कैसे संभाल लेते हैं फाइट को, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं देखते। यहाँ पे अर्थर अकेले बचे, 1v3 का फाइट हो चुका है इनके लिए। और यहाँ पे अर्थर पे चार्जिंग करने की कोशिश वेगा की स्क्वाड की तरफ से। देखते हैं अर्थर क्या करते हैं, कैसे संभाल लेते हैं सिचुएशन को, 1v3 का फाइट है। और यहाँ पे लॉकडाउन को भाई SKS से टैप टैप दे दिए दे भाई नॉक कर दिया लॉकडाउन को। अभी 1v2 का सिचुएशन है, लॉकडाउन को भाई फिनिश भी करके आ चुके हैं। उनके राइट से आ रहे वेगा के नूप, वेगा के नूप को देते कैसे देखते, वेगा के नूप भी आ रहे हैं, रिलोड कर लिया यहाँ पे SKS। वेगा के नूब को भी भाई ले लिया है यहाँ पे अर्थर ने भाई, बहुत सही। 1v3 कर सकते हैं अभी, रेबेल अकेले बचे, रेबेल हैज नो गन। और यहाँ पे भाई वेगा की स्क्वाड को अकेले एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे अर्थर ने भाई, बहुत सही। मीन वाले यहाँ पे बिट्टू ने जैक को नॉक और फिनिश कर दिया एक एम से। अभिषेक बचे हुए, अभिषेक ने भाई एक को नॉक दे दिया, देखते हैं अभी रिवाइव करेंगे खुद को। और यहाँ पे एक को फिनिश भी कर दिया, सामने कितने बंदे बचे हुए देखते। और यहाँ पे अभिषेक भी नॉक हो चुके हैं और वॉरियर बचा हुआ है अपने स्क्वाड को। वॉरियर ने भाई एक एम आयरन साइड पर चला रहा है, एक को नॉक दे दिया भाई वॉरियर ने शो के बिट्टू को। और भाई वॉरियर ने फोन एंड शूट करके भाई शो के एक एम को भी एलिमिनेट, साई को भी एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पे निकाल लिया है भाई अपने लिए फाइट, ये MVP के बंदों ने यहाँ पे 3 किल अपने नाम कर दिया। यहाँ पे FCT फ्यूरी ने नेट डाला है और भाई ये नेट कनेक्ट हुआ आयर के मदारा के ऊपर, आयर के मदारा को नॉक कर दिया यहाँ पे फ्यूरी ने। देखते कैसे आयर के फ्रेंजी ने यहाँ पे सल्टर को नॉक कर दिया, लायर बचे हुए वहाँ पे कवर देने के लिए। देखते कैसे निकाल लेते यहाँ पे लायर। और यहाँ पे TPP ले रहे दोनों स्क्वाड के बंदे एक दूसरे को स्पॉट करने की कोशिश, पर यहाँ पे कुछ हलचल नहीं दिख रही इस फाइट में। यहाँ पे शो के VB ने भाई ऋषि को नॉक कर दिया है, देखते हैं शो की फाइट। और शो के VB ने बेरियल पे सप्रेस लगाते हुए, और यहाँ पे शो के VB ने और एक को नॉक गिरा दिया है। यहाँ पे फ्यूरी नॉक हो चुके, वो आयर की फाइट चल रही थी आयर FCT, उधर आयर ने एक नॉक दे दिया है, यहाँ पे लायर को भी नॉक दे दिया है। और यहाँ पे फ्रेंडी ने स्क्विड को सल्टर अकेले बचे हुए, देखते कैसे संभाल लेते हैं सल्टर। तोड़ू ने यहाँ पे भाई गौरव को नॉक कर दिया, और यहाँ पे सल्टर ने फ्रेंडी को नॉक कर दिया है। और देखते सल्टर अकेले बचे हुए भाई, और अक्की को नॉक कर दिया, और सल्टर को भाई यहाँ पे ले लिया है भाई किसने, मारा सल्टर को। और यहाँ पे सल्टर को मदारा ने फिनिश कर दिया UMP से भाई, बहुत से IR के बंदों ने इधर से निकाले FCT के स्क्वाड को कर दिया एलिमेंट। उधर अनुज ने भाई अर्थर को नॉक और फिनिश कर दिया, अर्थर बच्चे उधर अकेले, एक बंदा FK था, अनुज को नॉक और फिनिश कर दिया वहाँ पे अनुज ने। यहाँ पे तोड़ू ने भाई एरो मैक्स को नॉक कर दिया है, और तोड़ू ने एरो मैक्स का किल भी कन्फर्म कर दिया। तोड़ू ने वहाँ पे आतिश को भी नॉक कर दिया है भाई, तोड़ू रुक नहीं रहे, तोड़ू मार रहे शो की स्क्वाड वहाँ पे। और यहाँ पे RKM भाई ने लॉस्ट के स्लेयर को फिनिश कर दिया, अकेला बचा हुआ था एलिमिनेट कर दिया लॉस्ट के स्क्वाड को वहाँ पे। यहाँ पे जिधर जा रहे हैं शो के स्क्वाड, उनके सामने फ्रोस्ट के बंदे हैं, उधर होल्ड कर रहे हैं कंपाउंड, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस फाइट को। शो के VB जा चुके, उधर सामने उनके TPP ले रहे वैटी, वैटी भाई
शॉटगन लेके मारने की कोशिश, एक शॉट कनेक्ट हुआ पर भाई वीबे ने उधर जिगल देके निकाल लिया इनको, नॉक कर दिया यहाँ पे शो के एनजी देखते जाकर फिनिश करने की कोशिश वैटी को, और यहाँ पे फिनिश पंच से मार रहे भाई पता है टॉक्सिक। यहाँ पे तोड़ू देखते हैं, तोड़ू यहाँ पे फाइनल ब्लो देने लगता है और यहाँ पे तोड़ू ने फाइनल ब्लो दे दिया, यहाँ पे फ्रॉस्टी स्क्वाड को कर दिया एलिमिनेट, अपने नाम कर दे 3 किल मेरे सबसे यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रांस के टीएसएम के सामने ओमेगा के 2 बंदे अफगाट है भाई, यहाँ पे ट्रांस ने वनरी को नॉक कर दिया यहाँ पे और उसको फिनिश भी कर दिया यहाँ पे कार ब्लास्ट से। यहाँ पे अनुज ने भाई ओमेगा के मन्या को और एक बंदे को ले लिया, पूरा फिनिश कर दिया। यहाँ पे अनुज ने ट्रांस के टीएसएम यहाँ से टीपीपी ले रहे और उधर ऊपर आए पीस की स्क्वाड और उधर ओमेगा के बंदे को भाई नाच के दिखा रहे यहाँ पे अनुज मेरे हिसाब से और मार दिया उनको। और यहाँ पे अर्जुन की स्क्वाड वर्सेस आईआर की स्क्वाड की फाइट चल रही है, देखते हैं अर्जुन यहाँ पे स्प्रे दे रहे यहाँ पे 3x लगा के एम4 पे और यहाँ पे हेल ने भाई नॉक कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे अर्जुन ने भाई अपने बंदे को कार ब्लास्ट से नॉक कर दिया बहुत हार्ड। और भाई मदारा अकेले बचे हुए थे, बग्गी लेके सीधा फॉल बैक कर दिया जोन ने और यहाँ पे नील ने भाई ओमेगा की जेरी को नॉक कर दिया, जेरी का किल भी कंफर्म कर दिया वहाँ पे नील ने। और यहाँ पे ओमेगा किंग भाग रहे पर भाई भाई शुभ्या ने भाई स्प्रे दे दिया उधर से स्कारेल का और उनको कर दिया एलिमिनेट। उधर से यार कैंप की स्क्वाड आ रही है, पीस की स्क्वाड उनके ऊपर ही है, देखते हैं उनका क्लैश होता है कि नहीं। एमके से नॉक कर दिया और वीबी ने वहाँ पे अनुज को नॉक कर दिया M4 से, देखते हैं ट्रांस के टीएसएम के सामने पूरी स्क्वाड है शो की, क्या करते वहाँ पे शो के वीबी को भाई 10-20 HP रखा था भाई, अच्छा स्प्रे दिया था यहाँ पे M4 पे 4x लगा के ट्रांस के टीएसएम ने। यहाँ पे आरकेएम की स्क्वाड अनुज को आरकेएम दे रहे रिवाइव यहाँ पे पीस के डोमिनिक, देखते कौन सा स्नाइपिंग दिखा, अच्छा स्नाइपिंग दिखाते कि नहीं हमको। और यहाँ पे कोई बंदा उनको स्पॉट नहीं हो रहा फिलहाल के लिए, देखते। और वहाँ आरकेएम ने भाई शो के AKM को दे दिया भाई कारंटेड से हेडशॉट कर दिया है नॉक वहाँ पे आरकेएम ने शो के AKM को, देखते और एक नॉक गिरा देखे नहीं बहुत अच्छा स्नाइपिंग करते आरकेएम। और यहाँ पे आरकेएम ने नील को भी नॉक कर दिया हेडशॉट देके कार्नेट से और डोमिनिक ने MVP के अभिषेक को नॉक, और आरकेएम ने भाई और एक नॉक निकाल, क्लाउड को भी नॉक निकाल दिया भाई, लगातार 2 नॉक निकलते हुए एक ही स्क्वाड को 2 नॉक दे दिए यहाँ पे, पीस की स्क्वाड को परेशान नहीं कर रहे यहाँ पे स्नाइपिंग करके आरकेएम भाई। यहाँ पे देखते ऊपर भी चौधरी है, चौधरी को कैसे देते और चौधरी ने दे दिया भाई आरकेएम भाई को, AKM से मार रहा है चौधरी। और यहाँ पे आरकेएम भाई ने इसको ओपन किया चौधरी पे और चौधरी ने भाई दे दिया AKM का हेडशॉट और AKM को कर दिया नॉक वहाँ पे और स्पॉट करने की कोशिश। और यहाँ पे डोमिनिक भाई 19 के आमिर को नॉक दे दिया भाई M24 से, डोमिनिक और आरकेएम भाई दो अलग स्क्वाड में पर स्नाइपिंग तो दिखा रहे भाई दोनों में, एक के हाथ में M24 और एक के हाथ में कार 98। और भाई यहाँ पे आरकेएम ने भाई यहाँ पे चौधरी का बदला ले लिया है, चौधरी को भी हेडशॉट देके नॉक कर दे, 4th नॉक निकलते हुए भाई यहाँ पे आरकेएम भाई कार 98 से बहुत सही। और यहाँ पे जल्दी हुई गाड़ी लेके जाने की कोशिश पर भाई यहाँ पे आरकेएम ने भाई 4 बंदों को ले लिया है भाई कार ब्लास्ट में बहुत सही। आरकेएम के ऊपर ही पूरी स्पीस की स्क्वाड सुबह यहाँ पे गाड़ी लेके जोन में जाने की कोशिश, उनके सामने आरकेएम ने भाई स्कारल का स्प्रे दे रहे गाड़ी को जला दिया है और भाई जोकर ने भाई एक बुलेट मार दी किल कर दिया अपने नाम और यहाँ पे सुबह को कर दिया एलिमिनेट कार ब्लास्ट से। इनको जाना है जोन में भाई 4th जोन है भाई, जोन में जाना है, जोन का डैमेज बहुत गिरेगा और ये 300 या 400 मीटर दूर है जोन से, कैसे करते गाड़ी तो नहीं है इनके पास, एक गाड़ी थी उसको भी भाई ब्लास्ट कर दे। और यहाँ पे पीस के बंदे भाई निकल गए जोन में, 2 बंदे तो निकल गए और देखते उनके सामने टीम नंबर 12 का एक बंदा इताची, देखते स्प्रे लेता है कि नहीं उन पर। और यहाँ पे अर्जुन भाई हेलीमेट हो चुके हैं, लेजी इताची भाई लेजी भाई जा रहे जोन में, कोई फाइट लेने की कोशिश नहीं उनकी। यहाँ पे पीस के बंदे भी जोन में जा रहे गाड़ी लेके और यहाँ पे कैरामेल भाई वाइकिंग के ऊपर ले रहे शॉट, सिंगल टैप दे रहे यहाँ पे 3x लगा के M4 के ऊपर, लेखते नॉक निकालते कि नहीं। और यहाँ पे कैरामेल को भाई नॉक कर दिया भाई अल्फा आर्या ने हेडशॉट दे के यहाँ पे M4 का और उनको रिवाइव मिल जाएगा ऐसे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अल्फा के आर्या देखते हाथ में एस से ला रहे मेरे हिसाब से और यहाँ पे वाइकिंग के बंदे देखते क्या करते।
और यहाँ पे चौधरी ने भाई फिनिक्स को नॉक दे दिया है, और यहाँ पे डेंजर ने भाई यहाँ पे एनेक्सिस के ब्लेड ओपी को भी नॉक दे दिया है, देखते हैं वहाँ पे। और डेंजर ने भाई एनेक्सिस के ब्लेड ओपी को कर दिया है फिनिश, अकेले बचे हुए थे। और यहाँ पे आरकेएम की स्क्वाड जो बहुत ही बाहर थी जोन के, वो भाई जोन से जूझ रही है, और जोन के बाहर ही जोन ने उनको बना लिया शिकार। और यहाँ पे हेल के डेंजर अकेले बचे हुए, देखते क्या करते हैं। हेल के डेंजर वो भी जोन के शिकार हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंदे जोन में। और यहाँ पे एमवीपी के अभिषेक ने ट्रांस के टेस्ट को नॉक कर दिया जो कि जोन के बाहर था। और यहाँ पे वॉरियर ने भाई ले लिया है पूरी की पूरी आरकेएम की स्क्वाड को। और यहाँ पे एमवीपी के अभिषेक ने ट्रांस के टीएसएम का किल कंफर्म कर, किल फिर लेट है थोड़ा। और यहाँ पे लेजी इताची भाई जैसे तैसे करके जोन में जाने की कोशिश करे, लास्ट फर्स्ट एड था वो भी मार दिया। अभी मेडिकेट बचा हुआ है एक, उन पे देखते कैसे जाते हैं जोन में, देखने वाली बात रहेगा। और उनके सामने ही जैसे ही जोन में जाएंगे उनको भाई लड़ना पड़ेगा टीम नंबर 9 से, चौधरी की स्क्वाड से। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं इस सिचुएशन को। चौधरी के स्क्वाड को कोई अंदाजा नहीं रहेगा कि इतने बाहर से भी कोई आ सकता है जोन के। और चौधरी भाई ऑफ गार्ड पकड़े गए, और यहाँ पे M4 के स्प्रे देते हुए, और यहाँ पे नॉक कर दे, और एक को नॉक कर दे, NSS के अलोन को भी नॉक कर दे। अकेले बचे हुए थे भाई लेजी, यहाँ पे जोन में जाने चाहिए, और जोन में जाके भाई अपने किल को कर दिया कन्फर्म। एक ही बंदा बचा है, उसको कैसे निपटाते हैं देखते। और उधर से भाई दूर से क्लाउड ने वहाँ पे प्रोंड होके भाई स्कोप लगा के ही बैठे थे उधर, और उनको कर दिया फिनिश। उनका हेल्थ भी बहुत कम था। यहाँ पे डोमिनोक एमवीपी के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं, यहाँ भी स्ट्रेंजर के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं, देखते कनेक्ट होता है कि नहीं। नहीं हुआ भाई, उनके नीचे एमवीपी के स्क्वाड है, उनको भी स्पॉट करा है। यहाँ पे डोमिनिक ने M24 विथ एटेक से वहाँ पे वो एमवीपी अभिषेक को स्पॉट किया है, तीनों बंदों को स्पॉट किया है। यहाँ पे एमवीपी के बंदों को स्पॉट किया है डोमिनिक ने, देखते एक शॉट दिखा देखने। और यहाँ पे वॉरियर पे शॉट लिया था, कनेक्ट नहीं हुआ। और दूसरा शॉट भाई क्या ही क्विक स्कोप दिया भाई, वॉरियर को नॉक कर दिया यहाँ पे डोमिनिक ओपी ने। और यहाँ पे कैरेमल के सामने टीम नंबर 15, देखते हैं कैरेमल क्या करते हैं अपने स्क्वाड के लिए। M4 लेके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और स्पॉट कर लिया मेरे हिसाब से अल्फा के स्क्वाड को, यहाँ पे लेट गए। और यहाँ पे स्पॉट करके भाई एक को पिकअप कर दिया, आर्या को पिकअप कर दिया यहाँ पे कैरेमल ने, और एक वाइकिंग बचा हुआ है, वाइकिंग को कैसे डेल ले लेते हैं देखते हैं। नेड कुक कर रहे हैं यहाँ पे, नेड कुक करके डालने की कोशिश यहाँ पे कैरेमल द्वारा, और कैरेमल ने नेट डाल दिया उधर वहाँ पे अल्फा के स्क्वाड के ऊपर, दो नेट डाल दिए। एक नेट से भाई वाइकिंग नॉक हो चुके हैं, और दूसरे नेट से भाई आकाश भी नॉक हो चुके हैं भाई, एक ही नेट से दो नॉक, और भाई दूसरे नेट से फिनिश हो चुके हैं भाई, दो नेट में भाई एक स्क्वाड को कर दिया फिनिश यहाँ पे कैरेमल ने, बहुत सही नेट डाला था। अभी देखते नहीं भाई फिनिश नहीं हो चुके भाई, एक बचा हुआ है उनको स्मोक में नहीं दिख रहा वो। और यहाँ पे नील ने फिनिक्स को नॉक कर दिया, किल कंफर्म कर दिया फिनिक्स का नील ने, और एमवीपी के अभिषेक को नॉक गिरा दिया यहाँ पे प्लीज के क्लाउड ने। और यहाँ पे कैट ढूंढ रहे, कैट को पता चला पर कैट को नॉक कर दिया यहाँ पे, A1HP बचा हुआ कैरेमल ने भाई निकाल लिया, कैट को आसान से दे देगा रिवाइव। क्या गेम प्ले कर रहा है, तीन किल निकाल लिया अपने नाम कर दिया एक स्क्वाड से। और वॉरियर ने भाई नील को नॉक कर दिया यहाँ पे, और वॉरियर पे नेड आया है, और वॉरियर के हेल्थ डाउन हो चुके उस नेड से, और पीस के क्लाउड जा रहे हैं आगे, अपने बंदे दो नॉक पड़े उनको रिवाइव देने के लिए, हाथ में उनके MK। यार टॉप 3 टीम्स आर अलाइव, यहाँ पे कैरामल की स्क्वाड है, 19 MVP की स्क्वाड है, और पीस की स्क्वाड है, 3v3v2 का फाइट है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कौन निकल लेते हैं विनर, विनर चिकन डिनर सबसे एडवांस पोजिशन पीस की। और यहाँ पे पीस ने भाई कैट को नॉक दे दिया पीस के क्लाउड ने, देखते हैं अभी रश मार्तिक ने एक ही बंदा बचा है कैरेमल, और कैरेमल पे रश मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्लाउड, लेफ्ट से रश मार रहे, और कैरेमल यहाँ पे कैट को दे रहे हैं रिवाइव। उनके सामने से पीस के क्लाउड आ गए, पीस के क्लाउड के हाथ में थी MK, और भाई MK के सामने टिकने पर यहाँ पे कैरेमल को कर दिया एलिमिनेट। दो स्क्वाड्स अलाइव है, देखते कौन निकल लेता चिकन डिनर। सामने यहाँ पे 19 MVP के स्क्वाड, और यहाँ पे डोमिनिक ने भाई दे दिया है भाई हेडशॉट यहाँ पे वॉरियर को, सेकंड टाइम नॉक करते हुए M24 से। अभी रश मारते कि नहीं देखते, यहाँ पे पीस की स्क्वाड के पास पूरा एडवांटेज है, क्योंकि भाई वहाँ पे MVP की स्क्वाड है जोन के बाहर, और पीस की स्क्वाड है जोन के अंदर। यहाँ पे जोन के बाहर से उनको आना पड़ेगा, जोन अभी स्टार्ट हो चुका है, स्मोक डाले यहाँ पे MVP के स्क्वाड ने, और भाई नई दिक्कत पैदा करते हुए यहाँ पे स्कायल से डोमिनिक ने डोमिनिक को नॉक कर दिया यहाँ पे 19 के आमिर ने, पर 19 के आमिर का भाई हेल्थ भाई बहुत लीट है यहाँ पे आमिर। और भाई यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर होता हुआ पीस के बी टीम का,